शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ एक मेरा कंपोजिशन, जिसको मैं यहाँ पे मैं प्रीसेट यूज कर रहा हूँ HDTV 108025। मेरा ड्यूरेशन है 6 सेकंड और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टट मेरे कंपोजिशन को और ओके कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा कंपोजिशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट टूल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे सबसे पहला वर्ड टाइप कर रहा हूँ वो है मेरा रिवील। और उसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे सेट कर लेते हैं मिडल में और अलाइन कर लेते हैं कंपोजिशन के सेंटर में। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, कैरेक्टर में चलते हैं, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। अगेन आई हैव टू डू द एंकर पॉइंट इनटू द सेंटर और अलाइन करना पड़ेगा इसको वापस कंपोजिशन के सेंटर में। तो ये हो चुका है, इसी का अभी डुप्लीकेट हम यहाँ पे जनरेट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे भाई, सेम चीज इसको वर्ड चेंज कर देंगे। तो रिवील यहाँ पे होगा टेक्स्ट हमारा, तो इसका भी एंकर पॉइंट क्या करना है मुझे, सेंटर करना है और इसको भी क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। तो ये भी हो चुका है, वापस इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं यहां पे। और यहां पे क्या करूंगा, मेरे को टाइप करना है अनदर वर्ड, वो है आफ्टर इफेक्ट्स। तो ये भी यहां पे आ चुका है बट इसका साइज बहुत बड़ा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो इट्स लुक गुड, ये बेटर है। एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लो, अलाइन में चले जाओ और कंपोजिशन के अलाइन में हमारे टेक्स्ट लेयर को कर लिया है हमने। इन तीनों लेयर को तो सबसे पहले 3D में कन्वर्ट कर लो, तो ये 3D में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब रिव्यू वाले टेक्स्ट ओपन करेंगे, लेयर को यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे एनिमेट में जाके सबसे पहले आपको अनेबल पर कैरेक्टर 3D पे क्लिक कर देना है, ताकि आप टेक्स्ट लेयर के सभी अल्फाबेट को इंडिविजुअली प्ले कर पाओ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ रोटेशन प्रॉपर्टी एनिमेटर की, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो उसका वाई रोटेशन है इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, चलते हैं हम ऑलमोस्ट 3 सेकंड के ऊपर और यहाँ पे मैं इट शुड बी 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, 180 डिग्री में इसको रोटेट कर दिया, यहां से ये 180 डिग्री कुछ रोटेट हो रहा है मेरा, बराबर। तो ये हमारा यहाँ पे रोटेशन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ पे कि भाई ये तो हो गया, एक और एनिमेटर यहाँ पे अप्लाई करना है। चलते हैं हम ट्रैकिंग के अंदर, यहाँ पे ट्रैकिंग एनिमेटर मैंने अप्लाई किया है और स्टार्टिंग में यहाँ पे ट्रैकिंग अमाउंट 0 रहेगा इस की फ्रेम के ऊपर, 3 सेकंड के की फ्रेम के ऊपर। अब 0 नंबर के फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे मैं ट्रैकिंग अमाउंट अप्लाई कर रहा हूँ ऑलमोस्ट लाइक 80, तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको अभी एनिमेट करोगे तो क्या होता हुआ दिखेगा, ये कुछ ऐसे फ्लिप होता हुआ दिखेगा। तो अब कुछ क्या करना है कि भाई इनको मिनिमाइज करते हैं दोनों एनिमेटर को यहाँ पे, और कंट्रोल करके कॉपी कर लेते हैं एंड कंट्रोल सी कर लेते हैं यहाँ पे, और क्या करेंगे टेक्स्ट वाले लेयर के ऊपर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। यू प्रेस करते हैं भाई एनिमेटर लगे, हाँ लगे, बट देखो कीज गलत जगह पे लग गई क्योंकि मेरा टाइम कर्सर वहां पे था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इन कीज को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तब क्या हो रहा है, मेरा टेक्स्ट यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है या इस जगह पे आके, बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा ये वाई वाला रोटेशन वाला की है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक कर दो, यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंट में चले जाओ और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, टाइम रिवर्स की फ्रेम, बराबर है। तो ये क्या होगा, पहले उल्टा रहेगा और उसके बाद सीधा होगा। ट्रैकिंग को मैंने टाइम रिवर्स नहीं किया है गाइस, खाली मैंने रोटेशन को टाइम रिवर्स किया है, ठीक है। तो भाई ये मेरे दोनों एनिमेशन हो चुके हैं। अब दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं, इन सारे कीज को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और ग्राफ को क्या करेंगे, हम कुछ हिसाब से एडिट करेंगे। ये राइट वाले हैंडल को क्या करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेच करके यहाँ तक खींच के लेके आएंगे। अब लेफ्ट वाला जो टेंजेंट है हमारा, उसको हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे बट यहां तक मैं लेके आता हूं। अब हमारा टाइम कर्सर अब कहां पे रखेंगे, जहां पे ये मैक्सिमम पीक है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं यहां पे लाके रखता हूं और अब क्या करूंगा, मैं एक बेस ट्रांजिशन यूज करने वाला हूं जिसे हम कहते हैं मैच कट ट्रांजिशन, और इसके थ्रू ही हमारा फ्लिपिंग टेक्स्ट एनिमेशन, फ्लिपिंग टेक्स्ट रिवील एनिमेशन जनरेट होने वाला है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। और एक चीज समझ लो गाइस, इसको आप टाइटल एनिमेशन के लिए, इंट्रो के लिए, आउट्रो के लिए, क्रेडिट टाइटल के लिए बहुत ही बेटर तरीके से यूज कर सकते हो, इवन अपने लोअर थर्ड के लिए भी। तो अब करना क्या है मुझे, इस मैच कट को कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमने हमारा पिक जो पकड़ा था उस पिक को ही हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से इस लेवल को यहाँ से कट कर रहा हूँ लेयर को, और ट्रिम किया हमने, और टेक्स वाले लेयर को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से ट्रिम कर लेंगे। तो भाई दोनों यहाँ पे क्या हो चुका है, ट्रिम हो चुका है। तो हमारा एनिमेशन कैसे होगा भाई, देखो ये ट्रैकिंग मतलब ट्रैकिंग अमाउंट यहाँ पे कम होता हुआ जा रहा है, डिस्टेंस हर एक अल्फाबेट के बीच में, प्लस हमारा टेक्स फ्लिप भी हो रहा है, सो 3D फ्लिपिंग भी हमारा जनरेट हो रहा है और टेक्स रिवील भी हो रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, एक अलग प्रोसीजर यूज करेंगे
टैक्स को फ्लिप करने के लिए अभी हमने क्या किया कि एनिमेटर के थ्रू हमने टैक्स को फ्लिप किया, अब लेयर की प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करेंगे, टैक्स को फ्लिप करेंगे, 3D फ्लिप करके रिवील करेंगे, जो है हमारा आफ्टर इफेक्ट्स वाला टैक्स। तो भाई इसको भी हम यहाँ पे रिवील कर लेंगे। अब एग्जैक्टली रिवील करने से पहले मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरा टैक्स का एनिमेशन कहाँ पे ऑलमोस्ट 3D होने जा रहा है। तो हाँ भाई ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 3D होने जा रहा है कुछ। तो अब क्या करूंगा मैं, यहीं से एग्जैक्टली हमारा जो ये टैक्स वाला लेयर है उसका रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करता हूँ। ये लेयर का रोटेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं की दे दूंगा और यहाँ से हम ऑलमोस्ट चलते हैं कहाँ पे, 5 सेकेंड के ऊपर, 5 सेकेंड के ऊपर यहाँ पे हम आ चुके हैं। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं ठीक है 5 सेकेंड इज गुड इनफ। तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे क्या कर देंगे, की दे देंगे और इसका रोटेशन क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो ये वापस क्या हो गया, उल्टा हो चुका है, दैट्स बेटर। अब सेम चीज हमें क्या करना, इसका भी रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करना है और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रोटेशन को की दे देंगे। अब ये यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे उसको हम क्या कर देंगे, -180 डिग्री कर देंगे। तो मैंने इसको रोटेट कर दिया है -180 डिग्री के अंदर, ठीक है। तो ये भी यहाँ एनिमेट हो चुके हैं। अब इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर। अब आप चाहो तो यहाँ पे इसका ग्राफ क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हो, यहाँ से इसको मैक्सिमम स्ट्रेच कर लो। ये आपने स्ट्रेच कर लिया, अब क्या करते हैं यहाँ से इसको पकड़ेंगे और हल्का सा इसको यहाँ पे क्या करते हुए आएंगे, ड्रैग करते हुए आएंगे। अब इस पिक के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इस पिक के ऊपर आ जाता हूँ, चलते हैं यहाँ पे, इन दोनों लेयर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो क्या करेगी, एक चीज मुझे थोड़ा ज्यादा दूर लग रही है, तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस से, हम क्या करते हैं पीक पकड़ लेते हैं जो हमारा ग्राफ का पीक बना हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे हम लोग और यहाँ से ट्रिम कर लेंगे टेक्स्ट वाले लेयर को। अब आफ्टर इफेक्ट्स वाले लेयर को क्या करेंगे, यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। तो अब होगा क्या भाई, जब ये यहाँ से निकलेगा तो कुछ इस हिसाब से ट्रिम होता हुआ दिखेगा। बट इसके साथ मुझे क्या चाहिए, रिवील टेक्स्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो एक इन वाला वर्ड मुझे यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करने वाले, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक पे, सॉरी नॉट राइट क्लिक, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे चले आते हैं और टाइप करता हूं मैं यहाँ पे इन का वर्ड, ये मैंने टाइप कर लिया है। एंकर पॉइंट जरा सेंटर में कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं उसको कंपोजिशन के अंदर, उसका पोजिशन चूज करते हैं हम यहाँ पे और चले आते हैं कुछ यहाँ पे हम लोग। तो ये बेटर तरीके से यहाँ पे सेटल हो चुका है। थोड़ा इसको शिफ्ट कर दूंगा ताकि ये आई से जैसे स्टार्ट हो रहा है, ई ई के ऊपर से प्रॉपर तरीके से, तो ये बेटर लग रहा है मुझे। अब मुझे क्या करना है, इसको रिवील करना है। तो पहले तो इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यू प्रेस करके उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि भाई कहाँ पे था। हाँ, इसका पोजिशन और उसके साथ में ओपेसिटी इन वाले टेक्स्ट लेयर का ऑन करते हैं, यहाँ पे की दे देते हैं। अब चले आएंगे ऑलमोस्ट हम यहाँ पे जहां से हमने ट्रिम किया है हमारे आफ्टर इफेक्ट्स वाले लेयर को, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम लोग वापस से इसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ सेंटर में आ जाएगा। एग्जैक्टली ओपेसिटी हम कर देंगे 0, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सारी की, इसको F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। दूसरा चीज, एक दो की फ्रेम में आगे जा रहा हूं, इस लेयर को भी क्या कर दूंगा मैं, लेफ्ट साइड से ट्रिम कर दूंगा। तो ये भी हमारा एनिमेशन यहाँ पे बेटर तरीके से जनरेट हो चुका है गाइस। यहाँ पे एंड प्रेस करके वर्क एरिया को लिमिटेड कर देते हैं, प्लस इन सारे लेयर्स को मोशन ब्लर अप्लाई करते हैं और यहाँ पे मोशन ब्लर की मेन स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा फाइनल एनिमेशन। अभी आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा फ्लिपिंग टेक्स्ट रिवील आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हो रहा है, जिसके लिए हमने आफ्टर इफेक्ट्स का 3D लेयर्स को यूज किया है, प्लस 3D एनिमेटर्स को यूज किया है। सो आई होप आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।